हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में। तो आइए आज इस वीडियो में हम जो आज सीटेट का एग्ज़ाम हुआ है उसकी आंसर की आपको बताने वाले हैं, मतलब ये किस किस क्वेश्चन का क्या आंसर है, आप इसे एस्टिमेट लगा सकते हैं कि आपका कितना स्कोर बन रहा है। सीटेट बैक ईयर से काफ़ी क्वेश्चन उठाए गए हैं इस क्वेश्चन पेपर में, मैंने देखा है हमारी प्लेलिस्ट में जो आपके लिए सीटेट की बैक ईयर की प्लेलिस्ट थी उससे काफ़ी क्वेश्चन उठकर एज इट इज़ आए हैं। तो इस वीडियो में हम लगभग 99% क्वेश्चन जो होंगे वो बिल्कुल एक्यूरेट सोल्व करने वाले हैं। एक आध क्वेश्चन गलत हो सकता है, उसके लिए आप डिसलाइक या कमेंट गलत मत कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं, पहला ही क्वेश्चन है, देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है? तो ये जो प्रारंभिक बाल्यावस्था है, ये जो भाषा और विकास के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था 2 से 6 वर्ष की आयु होती है वो सबसे संवेदनशील समय होता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से लॉरेंस कोलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था है? तो लॉरेंस कोलबर्ग थे, उन्होंने जो अपना नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था उसकी एक अवस्था है ये सेकंड वाली, सामाजिक अनुबंधन अधिनियम विन्यास। आगे चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पर, कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक प्राय लड़कियों की तुलना लड़कों का अधिक ध्यान देता है, तो ये किसका उदाहरण है? तो ये जेंडर पक्षपात का एक उदाहरण है, जेंडर बायस का एक उदाहरण है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा तो लाइक जरूर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और बाकी पोर्शन की जो आंसर की है उसके क्वेश्चन के आंसर आप मैच करना चाहते हैं तो आपके कितने लगभग स्कोर बन रहा है उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को दबा दो ताकि जैसे ही नया वीडियो डालें हम नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए और आप वीडियो को देख कर अपना स्कोर एस्टिमेट कर सकें। आगे चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पर, बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता और जेंडर भूमिका अनुरूपता कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली है? तो ये जो जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा करनी, बच्चों को उसके बारे में सारी चीज़ें बता देनी चाहिए शिक्षक को ताकि वो उसके अंदर गलतफहमी ना रहे कि जेंडर भूमिका क्या होती है, उनके बारे में क्लियर बता देना चाहिए, उससे मतलब बच्चे कुछ सीख पाएंगे। आगे फिफ्थ क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों के ज्ञान को सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तु पर प्रभाव को महत्व दिया? तो जो सामाजिक विकास का सिद्धांत है जो वाइगोत्स्की ने दिया था, लेव वाइगोत्स्की ने सामाजिक और सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत दिया था, उन्होंने इस पर बल दिया था, तो इसका सेकेंड आंसर आपका सही रहने वाला है। आगे चलते हैं सिक्स्थ नंबर क्वेश्चन पर, जिग्सो है एक लड़की कोई मान लो पहली कर्तिश में 5 वर्ष की नजमा सॉरी जिग्सो पहली जिग्सो को एक पहली का नाम है वो कर्तिश में 5 वर्ष की नाजमा समय से कहती है कि नीला टुकड़ा कहाँ है? नहीं, यह वाला नहीं है, गाढ़े रंग वाला है जिससे यह पूरा बन जाएगा। तो इसको क्या कहा है वेगोत्स्की ने, किस तरह की क्या है प्राइवेट स्पीच, इसको क्या कहा है लेवोत्स्की ने, व्यक्तिगत वार्ता, क्योंकि बच्चे अपने आप से बातें करते रहते हैं पढ़ते समय। आगे है बच्चों को संकेत देना और आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो ये जो स्कैफोल्डिंग आपको दिख रहा होगा इससे आप अनुमान लगा सकते हैं पाड़, तो इसका ये एक स्कैफोल्डिंग का एक उदाहरण है ये। आगे चलते हैं एट्थ क्वेश्चन पर, तो दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा तो लाइक जरूर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो बाकी पोर्शन की और वीडियो देखने के लिए, तो हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिए ताकि आप सभी क्वेश्चन का अनुमान लगा सकें आंसर क्या क्या आएगा। आगे है निम्नलिखित व्यवहारों में से कौन सा जीन पियाजे द्वारा प्रस्तावित मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था को विशेषित करता है? तो जो प्रतीकात्मक खेल खेलने लग जाता है बच्चा इस अवस्था में और विचारों की अनुकरणीयता, मतलब जिस तरह 2 3 या 6 होते हैं, 3 2 6 भी होते हैं, ये होती है विचारों की अनुक्रमणीयता, इसके ऊपर भी बच्चा अपनी पकड़ हासिल कर लेता है। आगे है नाइन्थ क्वेश्चन, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे की संरचना है? तो पियाजे ने जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है उसमें किसके ऊपर बल दिया है, मतलब कौन सी एक पियाजे ने संरचना दी है? तो स्कीमाज क्या होती हैं, मतलब कुछ अपने विचारों में चेंज करने की प्रक्रिया, बदलाव करने की प्रक्रिया को स्कीमाज कहा गया है, स्कीमाज, तो इसके ऊपर मतलब पियाजे ने बल दिया है, स्कीमाज पियाजे के अनुसार एक संरचना है। आगे चलते हैं 10th नंबर क्वेश्चन पर,
आंकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो आंकलन होता है, जो बच्चे का आंकलन करना होता है हमें, उसका प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए? विद्यार्थियों के लिए श्रेणी निश्चित करना, संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों को, सॉरी ये चला गया इस तरफ, तो दोबारा पढ़ते हैं, आंकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो आंकलन करना बच्चों का, उसका मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? विद्यार्थियों के लिए श्रेणी निश्चित करना, संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्टता और भ्रांतियों को समझना, विद्यार्थियों को प्रांकों के आधार पर उनके नामांकित करना, रिपोर्ट कार्ड में उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण अंकित करना। तो आंकलन का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? अवधारणाओं के बारे में स्पष्टता और भ्रांतियों को समझना। ये कि ये नहीं कि मिलो उनके रिपोर्ट कार्ड भर दिए और उनको फाइल पास बता दिया, तो इस तरह असेसमेंट का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। उसकी अवधारणाओं के बारे में बच्चे की स्पष्टता और उनकी कमियों को समझना ही आंकलन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है, इसलिए इस वीडियो में हम 10 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। नेक्स्ट 20 क्वेश्चन अगले वीडियो में कवर कर लेंगे। उसके लिए क्या करना है आपको, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को दबाना है। जैसे ही जल्दी ही हम मतलब 1-2 घंटे के बाद ही नेक्स्ट वीडियो भी आने वाला है, तो उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो ये वीडियो पसंद आता हो लाइक जरूर कर दो और कमेंट भी कर देना कोई क्वेश्चन यदि मेरे से अनजाने में गलती हो गया है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।